बाइक का इंजन बंद करने के बाद भी उसमें टिक 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 जैसी इरिटेटिंग नॉइज आती है, तो वो नॉइज कौन सी खराबी को दर्शाती है और क्या ये खराबी है भी, बताऊंगा ये आपको अगले एक मिनट में। बाइक के इंजन में जब पेट्रोल जलता है तो उसमें से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उसमें से एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाए तो ये इंस्टेंट डेथ दे सकती है। तो वहां पर इसको ट्रीट करने के लिए कंपनी बाइक्स में लगाती है कैटलिटिक कन्वर्टर्स। कैटलिटिक कन्वर्टर इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर होता है प्लैटिनम, टाइटेनियम, पैलेडियम, कुछ इस तरीके के प्रेशियस मेटल्स रहते हैं और भी मेटल्स रहते हैं, तो वो इन गैसेस को ट्रीट करते हैं। और क्या होता है, जब इंजन चल रहा होता है तो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं बहुत ज्यादा हीटेड निकलती हैं और वो इस कैटलिटिक कन्वर्टर के थ्रू पास करती हैं, तो इस कैटलिटिक कन्वर्टर को बहुत ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है, बहुत ही हीटेड हो जाता है। तो जब हम बाइक का इंजन ऑफ करते हैं तो आपको पता है कि जब मेटल हीट होता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। जब हम इंजन ऑफ करते हैं तो वो वापस ठंडा होता है और ठंडा होने की वजह से साइज वापस कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो पाइप्स के अंदर क्लैंप्स लगे रहते हैं, जो अंदर स्पॉट वेल्डिंग्स रहती हैं, वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उसकी वजह से वो टिक 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 इरिटेटिंग से आपको नॉइज सुनने को मिलती है। तो ये कोई खराबी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। जो कि बेसिकली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एसआर मोटर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए।